यही काम फेराडे ने दो लाइन में ऐसे ख़त्म किया, इस रॉड को घुमाया, उसने कहा रॉड घूम रही है विद ओमेगा, और ये एंगल कितना है, डी थीटा, रेडियस इसका आर, तो ये ओमेगा का फॉर्मूला होता क्या था, सर्कुलर मोशन से डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा क्या है, ओमेगा डी टी। अब यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं ये जो लेंथ है वो डी एल है, तो इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रहा। और इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे डी एल की जगह क्या पुट करेंगे, आर डी थीटा, तो डी एस आ गया, डी एस आ गया, डी एस आ गया, तो फ्लक्स क्या है, बी डी एस, इसको डी टी से डिवाइड कर दिया, डी टी बाई डी टी क्या है, वन, सेम आंसर आ गया। पेपर में डेरिवेशन नहीं आती, पर कंपटीशन के अंदर आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए प्रूफ करवाए हैं। एनसीईआरटी की जो डेरिवेशन आती है वो मैंने मार्क करवा दी, बस उतना ही आता है, तो एनसीईआरटी लेवल में कोई टेंशन नहीं है, उतना ही लेवल है, साथ साथ क्योंकि कंपटीशन लेवल चलता है तो साथ साथ ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे चलती हैं।